पटना के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राएं एकजुट होकर सभी थाने पहुंची। थाने पहुंचते ही उन्होंने थाना प्रभारी मदन लाल करारे से मिली और कहा कि हमें बचा लो साहब। साहेब वार्डन रिजवाना खान हमसे लैट्रिन साफ करवाती है, हाथों में पॉलिथीन बंधवा कर कहती है कि लैट्रिन साफ करो। रात रात को छात्रावास से बाहर निकाल देती है और कहती है कि यही तुम्हारी पनिशमेंट है। सभी छात्राएं रो पड़ी और कहा कि हमें मैडम की बच्ची भी पीटती है क्योंकि वह भी इसी छात्रावास में रहती है। यह छात्रावास पहले से ही सवालों के घेरे में रहता है। बाद में छात्रावास की मॉडर्न संगीता गुपचुप भी थाने पहुंची। वहीं सभी छात्राएं बोली कि हम छात्रावास नहीं जाएंगे, सहायक वार्डन मैडम रिजवाना खान हमको मारेंगी। मैम मेरा वो जाति प्रमाण पत्र दो कि पापा जी ने 500 रुपए दिए थे बनवाने के लिए कि अभी तक क्यों नहीं आया। तो दीदी बोलने लगी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहाँ से दूँ। तो मैंने बोला दीदी आपकी तो जिम्मेदारी, आपने बनवाया था तो मेरे में थप्पड़ मारने आ गई थी। कौन आ गया? रिजवाना खान। कौन है ये? कुछ और लैट्रिन हो जाती है, भर जाती है तो सर हम सब पैसे जमा कर रहती है सब लड़कियों से और सर हाथ में उसमें गड्ढे में हाथ डलवाती हो वो करवा के पन्नी बंधवा कर और उनके उनके उस कमरे में झाड़ू पोछा लगवाती हैं और बर्तन साफ करवाती हैं। जी हमारी सहायक वार्डन है ना, वो लैट्रिन साफ कराती है हाथ डलवा के और गैलरी भी धुलवाती है और अगर नहीं धोते तो ऐसे बोलती तुम्हारी गैलरी तुम साफ करोगी तुम्हारी गैलरी और बैठक लगवाती है और नहीं साफ नहीं करते तो माँ बाप की कसम दे देती है। माँ बाप की कसम क्यों देती है? और ये सब बोलती है कि तुम जिसको मानती हो उसकी कसम है। क्या नाम है मैडम का? हम आज आप बैंक में गए थे तो बोल रहे थे हमारा एटीएम कार्ड नहीं आया तो जाओ करो उसके पास शिकायत कर जाओ करके। किसने किसने बोला? रिजवाना खान ने। रिजवाना खान कौन है ये? सहायक वार्डन। तो आप क्या छात्रावास की बच्ची हो सब? कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की जो बच्ची आई थी उनने अपनी समस्या सुनाई, उनका आवेदन पत्र ले लिया गया है, बस की स्थिति क्या है उसकी जाँच करा के अग्रिम कार्रवाई की जाती है।